आज मैं आपको बताता हूँ कि बेडशीट या फिर जो भी बड़े प्रोडक्ट होते हैं उनकी पैकिंग कैसी आती है। तो पैकिंग, अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग जैसी होती है जैसे एक छोटे प्रोडक्ट की होती है, तो वैसी ही आपको पैकिंग है। अब ये बेडशीट है, दिखने में हमें फोटोग्राफ में हम देखेंगे तो बेड पे लगी हुई दिखती है और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। तो पैकिंग देखिए, जैसे मैं अपने प्रोडक्ट पैक करता हूँ वैसी ये प्रोडक्ट आए हैं, फ्लिपकार्ट की पॉली में है। और इसको जब हम ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको कैसे सेलर ने भेजा है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट आया है, यानी कि जो एक प्राइमरी पैकिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो है और फ्लिपकार्ट की पॉली है। तो ये प्रोडक्ट ऐसे ही आया, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट ना डैमेज होने वाला है, प्रोडक्ट ईजिली ट्रांजिट होने वाला है, ट्रांजिट में भी डैमेज नहीं होने वाला है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट आप डायरेक्टली पैक करके भेज सकते हैं। जहाँ पे आपको इन ट्रांजिट में खतरा हो कि ये प्रोडक्ट टूट सकता है या फिर डैमेज हो सकता है, तो वहाँ पे आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, यानी कि आपको वहाँ पे कर्टन्स वगैरह यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे आपको बबल रैप करना पड़ता है, जैसे मोबाइल के केस में, ग्लास के केस में, तो उस जगह पे आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है। फिलहाल जो डैमेज वाला नहीं है तो उसमें आप डायरेक्टली ऐसे भेज सकते हैं। तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, और प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ये बेडशीट है, तो जैसी दिखी रेमेंट्स की हैं, जैसी दिखी सॉरी जैसी पैकिंग है वैसी ही वो अंदर डाल दी गई है सेलर के द्वारा, पैक करके ऐसी ही भेज दी गई, यानी कि प्राइमरी पैकिंग इनकी ये है और ये सेकेंडरी पैकिंग में भेज दी गई है। बहुत से सेलर्स का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम अपने ब्रांड को अगर बेचें तो कैसे बेचें। तो देखिए, ये रेमेंट्स काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। इस ब्रांड में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा सब कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ पे कस्टमर केयर है, रेमेंट लिमिटेड किस जगह ये प्रोडक्ट बना है, कब बना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो इस तरीके से पूरी डिटेल यहाँ पे रहती है। तो ब्रांडेड में ये अमेज़ॉन में बहुत सारे सेलर्स का क्वेश्चन रहता है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में कि वो अपने ब्रांड की डिटेल देंगे, प्रोडक्ट का पार्ट ब्रांडिंग में इस तरीके से आ रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमेज़ॉन अलाउ करता है, फ्लिपकार्ट भी अलाउ करता है।